योगी योगी जी की सरकार बनी है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। वो तो बनी पड़ी है, वे गई नहीं है, तो हिलेंगे। हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्रवादी बनेगा। यूपी में किसकी सरकार बनी, कौन पास हो रहा है? देखो रोजगार के एक रोजगार के मामले में, रोजगार के मामले में कानून कानून व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में बाबा है, बाबा सही है कानून व्यवस्था में, लेकिन रोजगार के मामले में बाबा फेल है। बिल्कुल फेल नहीं है भाजपा रोजगार के मामले में, तो रहे भर्तियां बिल्कुल भी फेल नहीं है भाई साहब। पहले भर्तियां होती थी जिनमें ठप्पा लगा रहता था एक जातिवादी का, कि भाई ये पर्टिकुलर जातिवादी का आदमी है, एग्जाम दिया हो या न दिया हो, अगर ये जातिवाद का ठप्पा लगा हुआ है सरनेम पीछे तो वो भर्ती होगा। 2011 में मैंने खुद बताई है यूपीएसआई की भर्ती में ऐसे लोग सिलेक्ट हो गए थे जिन्होंने एग्जाम पेपर ही नहीं दिया था। अब वही योगी सरकार में हो रहा है, योगी सरकार क्या कर रही है, उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बराबर पेपर लीक हुआ तो बराबर कार्रवाई भी हुआ है और वो पेपर की नीम आगे भी रखी जाएगी। दूसरी चीज, मैं एटा से बिलोंग करता हूँ, आज से 5 से 6 साल पहले जाने में सुबह बैठते थे आनंद विहार से और रात में 10 बजे पहुँचते थे, आज की डेट में आप जितने बजे बैठ जाओ सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के अंदर अपने घर पहुंच जाते हैं सुकून से, बिना धच्ची लगे, बिना कुछ किए। और हाईवे पे कोई गुंडागर्दी नहीं है आज की डेट में, लोकलिटी जो थी बिल्कुल खत्म है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए रितम ऐप, ये आपको iOS और एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। कहेगा कि मोदी तो हिंदुओं का सरकार है, योगी हिंदुओं का है, सबको लेकर वो रोड बन रहा है, कौन जाएगा वहाँ, मुस्लिम भी जाएगा, हिंदू भी जाएगा, जो भी है जिस धर्म का मानता होगा तो जा रहा है ना। आइए हो रहा है पूर्वांचल देखिए, आप जहाँ हैं यहाँ देखिए, आज से 10 वर्ष पहले इसी जगह की बात कीजिए ना। पर कहते हैं योगी जी मुसलमानों को टारगेट करते हैं, ऐसा अगर सच्चा कोई मुसलमान होगा हिंदुस्तानी, अगर वो एक तरफ पार्टी के लेकर चलेगा कि मेरा पार्टी है, ओबीसी जी है, भाई जान है, चाचा जान है, तो वो तो अलग भाषा, वो अलग बात हो गई। क्यों योगी जी के जाइए आप गोरखपुर में, बहुत सारे मुसलमान आते हैं, अपना दुख दर्द असोल कराते हैं योगी जी के पास, अगर कोई गोरखपुर का होगा बताएगा। हिंदू और मुस्लिम से नहीं चलता है देश, लड़कों को रोजगार चाहिए। जो उस मामले में बाबा फेल हैं, हर कोई 2017 से सरकार जब से बनी है कोई ऐसी भर्ती नहीं निकली है कि जिसमें पर्चा लीक ना हुआ हो। अभी अभी ताजा उदाहरण यूपी टेट है, टेट में अगर सरकार आपकी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और उसके बाद में आपका आप जो है सीसीटी कैमरा और सारी चीजें लगाए हैं, फिर कैसे पर्चा लीक हो गया? सुन लीजिए, नहीं सुन तो लीजिए, लीक कैसे हो गया? अब उसके बाद में आप आइए केंद्र की, केंद्र में जो अभी कल की कल का पेपर हुआ है आपका, मुजफ्फरनगर से आप आ रहे हैं यहाँ मेरठ में पेपर देने और पेपर लीक हो जा रहा है, उसके बाद आप तो कह रहे हो कि जो है किराया माफ़ है, ये है, क्या माफ़ हुआ बताओ ना? लड़के वहाँ से ठंड में यहाँ आ रहे हैं, आपका आप तो पूरी तरह से फेल हो इस मामले में। धांधली आप में, सुन लीजिए, धांधली आप में तो चरम सीमा पे है इस मामले में, क्योंकि युवा को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर इसी जो आपने पेपर कैंसिल की बात करी, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कहीं फर्जीवाड़ा हो जाता है ठीक है, तो क्या वो एग्जाम आगे हो जाना चाहिए या कैंसिल होना चाहिए? फर्जीवाड़ा अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? अगर मान लो हो जाता है, हो रहा है, वो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, क्यों हो रहा है? अगर हो जाता है, एक मिनट, अगर हो रहा है, सरकार आपकी है और जो है नौकर साहब भी आपके ही हैं, अगर पेपर आप जो छपवाने की बात कर रहे हो, एक जो है क्या बोलते हैं ठीका वाले के पास, जो दारू के ठीके वाले के पास आप टीटी का पेपर छपवा रहे हैं, आपको ये नहीं पता है पहले अगर कोई भी चीज़ें होती है उस पर आप लोग जो है सारा चीज़ पता तो होना चाहिए। आप छपवा रहे हो, जिसको शादी का कार्ड वो छाप रहा, वो देश का भविष्य संभालेगा, इस मामले में बाबा फेल हैं। फेल हैं तो यूपी में किसकी सरकार बनी, कौन पास हो रहा है? देखो रोजगार के एक रोजगार के मामले में, रोजगार के मामले में कानून कानून व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में बाबा है, बाबा सही है कानून व्यवस्था में, लेकिन रोजगार के मामले में बाबा फेल है। ये क्यों फेल है? ये जो भर्तियां निकली हैं, जो 1 लाख बता रहे हैं, 1.5 लाख,
ये अखिलेश सरकार की निकाली हुई थी, जो भर्ती फंसी थी उसमें 68,000 है और 69,000 शिक्षा मित्र का था। इन्होंने तो 3-5 साल हो गई, कौन सी नई भर्ती दी है आप? यही तो पूछ रहे हैं, क्या लगा? अरे भैया यही तो पूछ रहे हैं, किस कौन पास होगा 2022 के चुनाव में? ये 2022 में जैसे वहाँ खेला हुआ था वैसे यूपी में खदेड़ा हुआ था, बंगाल में हुआ था ना खेला हो, वैसे यूपी में होगा। यूपी में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश की आएगी। अखिलेश की सरकार बनती। देखिए कैसे सुनिए, रोजगार के मामले में उन्होंने पटेल जी का तुलना जिन्ना से किया। देखिए उनकी बात करने की तरीका, वो नेताजी के लड़के हैं, नेताजी का भी बीच में ऐसा डायलॉग आया कि भाई ये बच्चे हैं, ये गलती कर जाते हैं, गलती हो जाती है। बहुत ऐसी चीज है लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। एक और चीज बता रहा हूँ, देखिए ये एक और है, अयोध्या में कार सेवकों को मारा गया तो नेताजी का डायलॉग क्या था कि और तो हम और करा देते। बहुत सारे ऐसे डायलॉग है जो लोगों के बसा है। ये जात पात और धर्म पे नहीं चलेगा, काम पे चलेगा। ये जो कह रहे हैं ना भर्तियां की बात की है ना, कहाँ नहीं होती है, उनकी सरकार में नहीं हुई थी, उनके में तो ऐसे हुई थी। मैं दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ, 2013 में जब यूपी में भैया 2013 में जब पुलिस की भर्ती हुई थी, पुलिस की भर्ती वो बताइए, नकल के मामले में यहाँ वैकेंसी की बात ये कर रहे हैं और वो भैया जब बोल रहे हैं 2013 में जब पुलिस की भर्ती हुई थी कब क्लियर हुई थी और क्या उसका उसमें पेपर लीक नहीं हुआ था? जब मेरिट भर्ती हुई थी किस आधार पर मेरिट भर्ती हुई थी, इसका जवाब है भैया के पास? किस आधार पे मेरिट की भर्ती हुई थी? मेरिट की भर्ती 2015 में हुआ था, किस आधार पे हुआ था? वो हाई स्कूल क्या भैया कह रहे हैं कि रोजगार के मामले में फेल होगी भाजपा? बिल्कुल फेल नहीं है भाजपा रोजगार के मामले में। तो रहे भर्तियां बिल्कुल भी फेल नहीं है भाई साहब। पहले भर्तियां होती थी जिनमें ठप्पा लगा रहता था एक जातिवादी का कि भाई ये पर्टिकुलर जातिवादी का आदमी है, एग्जाम दिया हो या न दिया हो, अगर ये जातिवाद का ठप्पा लगा हुआ है सरनेम पीछे तो वो भर्ती होगा। 2011 में मैंने खुद बताई है UPSI की भर्ती में ऐसे लोग सिलेक्ट हो गए थे जिन्होंने एग्जाम पेपर ही नहीं दिया था। अब वही योगी सरकार में हो रहा है, योगी सरकार क्या कर रही है, उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बराबर पेपर लीक हुआ तो बराबर कार्रवाई भी हुआ है और वो पेपर की नीम आगे भी रखी जाएगी। दूसरी चीज, मैं एटा से बिलोंग करता हूँ, आज से 5-6 साल पहले जाने में सुबह बैठते थे आनंद विहार से और रात में 10 बजे पहुँचते थे। आज की डेट में आप जितने बजे बैठ जाओ सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के अंदर अपने घर पहुंच जाते हैं सुकून से, बिना धच्ची लगे, बिना कुछ किए। और हाईवे पे कोई गुंडागर्दी नहीं है आज की डेट में, लोकलिटी जो थी बिल्कुल ख़त्म है। आप लोकल के किसी भी गांव में चले जाओ, यहीं में आप लोकल के किसी भी गांव में चले जाओ, लोगों को मकान देने से डर लेने वाला डरता था, बिहार का आदमी था, उसके मन पे लोकल टीम है, आप उसके मन में क्या होता था, किराया 2,000 या 2,500, एक तो किराया दे रहा है, ऊपर से उसको जिस तरीके से वो रखना चाहते थे मकान वाले उस तरीके से रख रहे हैं। ये लोकलिटी की खुद की बात है मेरी, पर आज की डेट में अगर 112 कॉल डायल हो जाती है तो 2-10 मिनट्स के अंदर पुलिस आके उस पर कार्रवाई करती है और लोकलिटी का जो सबसे बड़ा मैटर होता है। परिवर्तन नजर आया है? बिल्कुल परिवर्तन है, ये परिवर्तन ही है। हम 8 घंटे का सफर 4 घंटे में तय कर रहे हैं तो परिवर्तन ही है। कुछ नहीं, आपकी बात को रखते हुए एक बात बोलूंगा, सभी मामलों में बीजेपी भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय जो स्थिति बनी हुई है सपा और ये बीजेपी और ये मायावती जी की जो पार्टी है बसपा को लेकर के, तो क्या है कि अभी एक ही शब्द मेरे पास है, वो है अंधों में जो काना राजा होता है वही उनका राजा होता है। तो अभी इनके सामने, इनसे अच्छा अभी सामने कोई नहीं है, ये सबसे अच्छे नहीं है, या ये सबसे अच्छा काम नहीं कर पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे, कम दे पा रहे, पेपर लीक हो गया, जो भी दिक्कतें आ रही है, लेकिन इनके सामने इनको टक्कर देने वाला भी तो चाहिए इनके बराबर का, तो इनसे अच्छा कर पाए वो अभी मैदान में नहीं दिख रहा, ये बात। इनसे अच्छा कोई नहीं है ना, इनसे इसलिए योगी जी है, योगी अच्छे नहीं है लेकिन इनसे अच्छा भी कोई नहीं है, ये भी बात समझिए आप, इनसे भी अच्छा कोई नहीं है। आप किस देश में रह रहे हो और आपके देश की गिनती कहाँ हो रही है, वो उनको अच्छा लग रहा, उनको जी टोटी चोर चाचा दादा तो अब जा रहे रात को हाथ मारने, हाँ जी गठबंधन कर लो, बीजेपी को हराना है, क्यों जा रहे हो, अकेले आओ ना, अरे मैदान में आओ, अकेले हैं दो,
मोदी और योगी वो जीतेंगे 320 320 320 320 मैं कह रहा हूँ दावा। अखिलेश जी कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है। अरे वो तो जेल में जाएगा आपके, मैं बता रहा हूँ। चुनाव हो जाए तो नंबर तीन का आपके राकेश टिकैत, अखिलेश, ईडी और एनसीबी दबा के छापा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ दबा के छापे हैं। योगी जी की सरकार बननी है नहीं बननी? योगी योगी जी की सरकार बननी है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। वो तो बनी पड़ी है, वे गए नहीं है तो ही रहेंगे। हिंदू है, हिंदू राष्ट्रवादी बनेगा,